खोजी पत्रकारों के नेटवर्क संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अडानी के एक बड़े फ्रॉड को उजागर किया गया है। अडानी ने यह फ्रॉड अपने भाई विनोद अडानी की मदद से किया। विनोद अडानी ने इस फ्रॉड को दो विदेशी कारोबारी मित्रों संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली सहबान अहली और चीन के व्यापारी चौंग चुंग लिंग की मदद से अंजाम दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी और उसके भाई से जुड़े दो लोगों ने बरमूडा में एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड का इस्तेमाल अडानी समूह के शेयरों में बड़े पद हासिल करने और व्यापार करने के लिए किया। अडानी ने बड़ी चालाकी से विदेशी कंपनियों के माध्यम से अपना पैसा पहले विदेशों में भेजा, लगभग $1 अरब देश के बाहर भेजा गया। इसी पैसे को भारत के शेयर मार्केट में अडानी के शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। OCCRP ने अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल के आधार पर यह खुलासा किया। अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने ही शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया, जिससे अडानी के शेयर की कीमतों में काफी बढ़त मिली। गलत तरीके से अडानी ग्रुप ने शेयर वैल्यू बढ़ाकर देश के आमजन के साथ धोखा किया। देश के लोगों ने अडानी ग्रुप में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अडानी गलत तरीके से शेयर वैल्यू बढ़ाकर उनके पैसे को ले रहा है। यहां तक कि मोदी जी ने अपने मित्र के लिए सरकारी बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पैसे को भी दांव पर लगा दिया। देश की जनता के साथ अडानी और मोदी ने मिलकर विश्वासघात किया है। इस तरह से धोखेबाजी करके अडानी ने अपना साम्राज्य और संपत्ति को बढ़ाया है, सेबी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। लेकिन मजाल है, इस बारे में सरकार अडानी से कोई सवाल पूछ ले। न ईडी काम करेगी, न काम करेगी CBI, क्योंकि अडानी और मोदी बन गए हैं भाई भाई। हमारे प्रधानमंत्री पिछली बार की तरह इस बार भी मौन हैं। आखिर कब तक प्रधानमंत्री जी देश के पैसे को अपने मित्र अडानी का पैसा बनाने में मदद करते रहेंगे।